सूखे पत्ते नहीं होंगे तो ये आप इस तरह के नारियल के जो ऊपर के बाल होते हैं है ना, वो भी खा सकते हैं। इसका ये फायदा होगा कि ये धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करके रखेंगे, आपका पानी कम लगेगा। एक बार पानी डाल देंगे ये बहुत अच्छे से गीले हो जाएंगे, तो उसको ये एब्जॉर्ब करके रखेंगे तो आपके पानी कम लगेगा है। और फिर क्या होगा, जब वो पौधा जो आप लगाएंगे उसकी जड़ें नीचे खाने की तलाश में जाएंगी, बड़ी होगी और जब तक ये डीकम्पोज होकर खा सक जाएगी। और इस पत्ते आपको जितनी तरह के मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेन एक नीम का ही लेना है, पीपल का ही लेना है, या जो भी मिले कोई से भी, सब तरह के, जितने ज़्यादा तरह के सूखे लेने, जितने ज़्यादा तरह के लोगे कोई सा भी ले सकते हैं बेटा, हरा भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग तत्व होते हैं। उसके बाद अपन इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे है ना। ये गीली नहीं है, ये मेरी कंपोस्ट वगैरह मिलाई हुई मिट्टी है, और आप सादा भी डाल सकते हैं शुरुआत में। ये हम किचन वेस्ट से घर पे ही कंपोस्ट बनाते हैं, घर में जो अपना किचन से वेस्ट निकलता है उससे कंपोस्ट बनाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो वो भी मैं सिखा दूंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें डालते हैं, अब आप इसमें कोई भी पौधा या बीज कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखो कोई भी चीज़ का यूज़ कैसे करना होता है आपको, ये देखो ये पानी डालने के अपने शावर बना लिया है। इसमें क्या करेंगे, ढक्कन में इस तरह से होल करेंगे और ये शावर, ये किसी का सोनी मोटी सुई गर्म करके आप मम्मी या पापा से बनवाओगे, आप खुद नहीं करोगे है ना, कोई भी बड़ा हो आपके यहाँ उससे बनवाओगे, ठीक है। देखो इससे पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा, जितनी जरूरत है उतना ही लग रहा है, अपन एकदम से वैसे करते हैं तो खराब होता है। थोड़ी देर में नीचे जाएगा और मैं ये देखिए 60 सेकंड के अंदर नीचे से निकलना चालू हो गया। अब जितनी पौधे को नमी चाहिएगी उतनी वो ले लेगा और बाकी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इस तरीके से मैं सब्जियां भी लगाती हूँ घर में और सारे पौधे लगाती हूँ, तो ये बेस्ट तरीका है। जो आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। बीज बीज तो नीचे लगाना पड़ता है ना बेटा, बीज का ये थंब रूल है कि जितना बड़ा बीज उसका डबल डायमीटर, यानी कि मान लो समझ गया ना, ये इतना बड़ा बीज है तो आप इतना गहरा गड्ढा करेंगे और उसको इसके अंदर लगाएंगे और इसके अंदर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है। छोटा बारीक बीज है तो उसको थोड़ा सा सीख से करेंगे है ना, और फिर उसको उसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है। और कोई सवाल है आपका? ये काम आप करोगे, ये सारे रैपर्स इकट्ठे करोगे, उनको धोगे और सुखाओगे, उसके बाद आपके पास जो भी बॉटल है उसमें डालोगे। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सब ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट जो होगा वो जमीन पे नहीं जाएगा है ना, घर से बाहर का इकट्ठा नहीं करना, घर घर का ही लेना। आप खुद की जिम्मेदारी उठा लो बस, बाकी आप ये सोचो ये सरकार का काम है या ये पड़ोसी करेगा या ये कोई करेगा, आप जो भी कचरा है आप खुद की जिम्मेदारी उठा लो। मेरे घर का कचरा, माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरी जिम्मेदारी है मेरा कचरा, बस इतना सा। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, सब बच्चे जोर से बोलेंगे 3 बार, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। अरे वो आवाज ही नहीं आ रही कुछ, ठीक है। किचन वेस्ट से निकलता है उसको आप खाद बना सकते हो, ये जो चीज बना सकते हो तैयार करूंगी इसमें। क्या इसके अंदर कैसे पौधा तैयार होगा, हो जाएगा? होल करके, वेरी गुड। और फिर सैपलिंग तैयार करूंगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बच्चों को राधा जी ने बहुत अच्छा सिखाया। और बच्चों को क्यों सिखाया, सभी को सिखाया, मैंने भी सीखा, बड़ों ने भी सीखा। और माय वेस्ट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज का हमारा स्लोगन है। थैंक यू।